हेलो बच्चों, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि हम एयरफोर्स और एनडीए के लिए अलग अलग सेपरेट कोर्स लेकर के आएंगे ऑनलाइन लाइव क्लास के लिए, ठीक है। तो उसी बिहाफ में हमने अभी एयरफोर्स एक्स के लिए एक लाइव क्लास का स्टार्टअप किया हुआ है, जिसमें से मैथ्स का सेक्शन मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ्स में जो हमारे पास टोटल यूनिट्स हैं, कैलकुलस हो गई, अलजेब्रा हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट हो गई और ट्रिगो हो गया, ठीक है। तो उन सारे यूनिट में सबसे पहले हम कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार प्रॉपर कैलकुलस करने के बाद फिर ट्रिगो एंड देन इस तरीके से हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर कैलकुलस सेक्शन की बात करें तो जो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास इसमें आता है, पहले हम पूरे सेगमेंट की बात कर लेते हैं, कैलकुलस में कौन कौन से चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। तो कैलकुलस में जो एयरफोर्स एक्स में आने वाले चैप्टर्स हैं, इंडियन एयरफोर्स एक्स वाला जो एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, तो आपके पेपर में जो टोटल चैप्टर आएंगे, सबसे पहला चैप्टर तो हमारा लिमिट्स है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगी कॉन्टीन्यूटी, लिमिट्स को बोलते हैं सीमा, ठीक है, कॉन्टीन्यूटी आपका हो गया सततता। इसके बाद में आपका आ जाएगा बेटा डिफरेंसिबिलिटी, अवकलनीयता, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ जाएगा डिफरेंसिएशन, ठीक है। इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। अवकलज के अनुप्रयोग होने के बाद में यहाँ से जो टोटल कैलकुलस है हमारी, ये हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस होती है। कौन सी कैलकुलस होती है? डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेगमेंट है वो हमारा है इंटीग्रल कैलकुलस, और उसका पहला चैप्टर हमारे पास आएगा इंडेफिनेट इंटीग्रल। कौन सा आएगा? अनिश्चित समाकलन, इंडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। फिर इसके बाद में बेटा आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल, ओके। फिर यहां पर आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसको हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व या वक्रों के से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से जो हमारे पास टोटल चैप्टर है, पहला हो गया लिमिट, कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एओडी, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया अंडर कर्व हो जाएगा हमारे पास, या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, ये सारे चैप्टर्स हैं, ओके। अब अगर इसमें इन सारे चैप्टर के बारे में बात करें, तो सबसे पहला इनको अगर हमें प्रॉपर तरीके से समझना है, तो सबसे पहले जैसे कि हम किसी भी एसे को लिखने के लिए बेटा हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ए बी सी डी और इन सब का नॉलेज होना चाहिए। सिमिलरली क्या है कि एक चैप्टर हमारे पास होता है फंक्शन, ठीक है। तो इस फंक्शन चैप्टर में क्या है कि ये इसको हम दो जगह पढ़ते हैं ना, एक आपका अलजेब्रा के सेक्शन में आता है और एक आपका कैलकुलस के सेक्शन में आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें अगर डोमेन निकालनी है, रेंज निकालना है, प्रांत निकालना है, परिसर निकालना है, अंतराल या पीरियड फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये सारा जो सेगमेंट है ये हमारा कैलकुलस से सेगमेंट आएगा। लेकिन अगर इसी केस में हमें वन वन इंटू ऑन टू सर्जेक्टिव इंजेक्टिव बायजेक्टिव ये प्रॉपर्टीज पढ़नी है, नेचर के बारे में बात करनी है हमारे फंक्शन की, ठीक है, ये सारा हमारा अलजेब्रिक में आएगा, है ना। वन वन मतलब एक है कि आच्छादक, ये सब आपने सीखा हुआ है इलेवंथ एंड ट्वेल्थ में, ठीक है। तो ये दोनों पोर्शन को हम मिला करके सबसे पहले हम पूरी कैलकुलस में जब एंटर करने जाएंगे तो उसके पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि हमारे पास बेसिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, जो ये लाइव क्लास है हमारी, इसमें हम जो कंटिन्यू करेंगे, जिस तरीके से हमारा जो प्रोसेस है, जिस तरीके से हमें चीज़ों को आगे तक फर्दर हमें कंटिन्यू करना है, तो क्या है, सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट लेंगे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल और पर डे डे वाइज, है ना, एक डीपीपी मिलेगी और उस डीपीपी का जो लिंक होगा, ठीक है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में या वर्ड फॉर्मेट में होगा, बेसिकली पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, जिसको आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। जो आज हमने पढ़ा उसके एग्जाम्पल वगैरह यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देन फर्दर उसके फर्दर डिस्कशन के लिए फर्दर आपको प्रैक्टिस सीट जो होगी वो आपको लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन में आते हैं, तो कैलकुलस का फर्स्ट सेगमेंट है हमारा फंक्शन, और इसको ऑलमोस्ट 4 to 5 days में हम कवर करेंगे, ठीक है। एग्जाम के पहले एयरफोर्स एक्स वाई का जो आपका एग्जाम है मार्च में, उसके पहले ही हम सारा सिलेबस एक बार कंप्लीटली जो है यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर फंक्शन चैप्टर पे आते हैं, तो जो एयरफोर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें आता है डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट वो पूछेगा एक कोई फंक्शन गिवन होगा और उसका डोमेन कैलकुलेट करने के प्रांत पूछेगा हमसे, है ना। इसके बाद में से रेंज पूछ सकता है, इसके बाद में क्या पूछेगा,
इसका पीरियड क्या है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आई हमारे पास, ठीक है। फिर एक है कि आच्छादक या 1-1 × 1-2 टाइप से हमें आइडेंटिफाई करना होगा फंक्शन 1-1 है, 1-2 है, इस तरीके के 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। अब उनमें से पांचों क्वेश्चन तो आ नहीं जाएंगे, मिनिमम 1 और 2 क्वेश्चन होते हैं हमारे फोर्स में, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना है फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें वेरिएबल क्या होते हैं, पहले हम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, ए बी सी डी है ना, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, ओके। इसके बाद में कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, तो अगर बात करें कॉन्स्टेंट की तो 1, 2, 3 ये सारे कॉन्स्टेंट हैं। अब इनको एक अदर हैंड से अगर बात करें है ना, मैथ्स में हम कोई भी अगर डेफिनेशन ले रहे हैं या कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं तो उसके डेफिनेटली दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो पहला मीनिंग तो हो गया, ऐसे बोलेंगे वेरिएबल क्या है, ये सब ए बी सी डी एक्स वाई जेड जितने भी हैं सारे वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट क्या है 1, 2, 3, ठीक है। या फिर ये बोलेंगे जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वो सारे क्या है, वेरिएबल्स होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो सारे कॉन्स्टेंट होते हैं। अब अगर सेकेंड सिनेरियो में बात करूं, जैसे मैंने बोला माइनस ऑफ के, ठीक है, तो अगर मैंने पूछा ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो माइनस ऑफ के में के की वैल्यू अगर 2 डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 आएगा, एंड इफ यू आर पुटिंग माइनस 2 तो के की वैल्यू क्या, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 2 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 2 भी हो रही है और माइनस 2 भी हो रही है, तो यहां पर इसका साइन अननोन हो गया। साइन कैसा हो गया, अननोन, मतलब यहां पर जितने ऐसे जितनी क्वांटिटी है जिनका साइन अननोन है, ऐसी जितनी क्वांटिटी है जिनका साइन अननोन है वो सारे क्या है, वेरिएबल्स हैं, मतलब वो क्या है, अचर राशियां हैं, बात समझ आ गई। और जिनका साइन नोन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5, तो अब इसका साइन हमको पता है कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये चेंज होता ही नहीं होगी, जैसे ये था तो इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ के, ये किस पे डिपेंड कर रही थी, के की वैल्यू पर, बट ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गई, ये कॉन्स्टेंट हो गया और ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब अगर वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को हमने मिला दिया है ना, सपोज दैट एक्स प्लस 2, तो हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाया तो हमारे पास क्या बन गया, ये एक एक्सप्रेशन बन गया, क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। अब अगर इस एक्सप्रेशन ने, इस व्यंजक ने है ना, जैसे मैंने लिखा x माइनस 2, तो अगर इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये फिक्स्ड हो जाए, ठीक है, तो वहां पर वही एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी न किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब किसी न किसी समीकरण को। कैसे, अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 = 0, सो एक्स विल बी प्लस माइनस 2 है ना, तो एक्स के यहां पर कितने, 2 पावर का इक्वेशन था तो इसके सॉल्यूशन भी कितने आ गए, 2 आ गए, इज दैट क्लियर। तो यहां पर ही क्या हो गया कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन फिक्स्ड है, या तो प्लस 2 या फिर माइनस 2, इसके एक्सेप्ट मतलब इस चीज को छोड़ करके और कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद में तो ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसी की सेकंड फेज में बात करें अगर कि कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन फिक्स्ड नहीं है, मतलब उसमें बहुत सारे नंबर वहां पर आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, सो x ग्रेटर देन 2, तो यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन फिक्स्ड नहीं है, कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो ये सारे किसी न किसी इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी न किसी असमिका को रिप्रेजेंट करेंगे, बात समझ आ गई। तो इतने ये भी जो भी हमने डिस्कस किया इसमें मैंने क्या सीखा, सबसे पहले वेरिएबल क्या होते हैं बेटा, तो वेरिएबल वो हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती और जिनका साइन अननोन होता है, कॉन्स्टेंट क्या है जिनका साइन नोन होगा और उनकी वैल्यू भी फिक्स्ड होगी। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को मिला दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कोई ना कोई एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसको हम व्यंजक बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा, बात समझ आ गई। अब व्यंजक के बाद में अगर कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन फिक्स्ड है तो वो किसी न किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन फिक्स्ड नहीं है तो वो क्या करेंगे, किसी न किसी इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, इनइक्वालिटी मतलब असमिका, बात समझ आ गई, ओके। अच्छा, ये बेसिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये फंक्शन का पार्ट नहीं है, बट जब कभी भी हम डोमेन निकालेंगे तो हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करते आना चाहिए, सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग हियर बेसिक टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी होती क्या है वो समझ आ गया, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। अब यहाँ पर जो हमारे पास टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी है जो हमें स्टडी करनी है, तो पहला हमारी इनइक्वालिटी बेटा है लीनियर, सेकेंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक, थर्ड आएगी हमारे पास मॉडुलस, और फोर्थ हम लेंगे लॉग, क्योंकि बेसिकली इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास डोमेन डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आएंगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। सबसे पहला हमारे पास कौन सा है, लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। सेकंड हमारे पास है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी,
थर्ड हमारे पास आएगा मॉडुलस इनइक्वालिटी, फोर्थ हमारे पास आएगी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, ये टोटल चार इनइक्वालिटी हैं जो हमको यहां पर पढ़नी है। ठीक है, पहली कौन सी है, लीनियर, सेकंड क्वाड्रेटिक, थर्ड मॉडुलस, फोर्थ लॉगरिथमिक। ठीक है, तो अच्छा लीनियर इनइक्वालिटी क्या है, ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें सारे जो फैक्टर होंगे, सारे जो एक्सप्रेशन होंगे वो सारे लीनियर फॉर्म में होंगे। लीनियर फॉर्म मतलब क्या है कि ए एक्स प्लस बी, या फिर जिसमें एक्स की जो पावर होगी हमेशा कितनी होगी, वन, उसको हम बोलेंगे रैखिक असमिका। क्या बोलेंगे, रैखिक असमिका। बात समझ आ गई। सेकेंड हमारे पास कौन सी है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, तो क्वाड्रेटिक को हम बोलेंगे द्विघात असमिका। द्विघात मतलब जिसमें जितने भी एक्सप्रेशन आएंगे उसमें बहुत सारे एक्सप्रेशन ऐसे होंगे, हो सकता है सम ऑफ लीनियर हो, बट बेसिकली उसमें कोई ना कोई क्वाड्रेटिक टर्म जरूर अवेल होगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास कौन सी है, मॉडुलस। मॉडुलस आपको पता है कि जिसमें मॉड इन्वॉल्व होगा। ठीक है, फोर्थ हमारे पास है जिसमें लॉग इन्वॉल्व होगा, वो हमारी क्या है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, ये चारों इनइक्वालिटी वन बाय वन पढ़ेंगे, जिससे हमें कभी भी अगर डोमेन या रेंज का, डोमेन बेसिकली या फिर रेंज निकालने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। ओके, चलिए तो फर्स्ट इनइक्वालिटी पे आते हैं, जो कि हमारी क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए एक हम एग्जाम्पल यहां पर लेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या हमारा, लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर, x माइनस वन होल पावर थ्री, टू एक्स माइनस वन होल पावर फाइव, x प्लस टू होल पावर सिक्स होल बाय x प्लस वन एंड x माइनस सेवन होल पावर नाइन, ट्वेल्व लेस देन जीरो। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब वैसे तो ये बहुत ही थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को अभी डोमेन में नहीं पूछे जाते, बट हमें सारे पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब कभी भी इनइक्वालिटी आपको कैलकुलेट करनी हो, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो, या फिर आपको डोमेन कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, तीन बातें आपको हमेशा याद रखनी है। पहला पॉइंट क्या है, कभी भी किसी भी वैल्यू को कैंसिल नहीं करना। जैसे अगर हमारे पास कभी ऐसे लिखा हो ए एक्स स्क्वायर अपॉन बी ग्रेटर देन सी एक्स टू द पावर फोर अपॉन डी, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या बचेगा, ए अपॉन बी ग्रेटर देन सी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी। फिर हमने इसका इससे मल्टीप्लाई कराया, सो ए इंटू डी ग्रेटर देन बी इंटू सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहली मिस्टेक हमसे ये हुई कि हमने दो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल किए, मतलब एक्स स्क्वायर कैंसिल किया, मतलब एक्स के दो टर्म यहाँ पे हमने रिमूव किए, तो ये काम हमको कभी भी नहीं करना। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को आप कॉन्स्टेंट को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, कॉन्स्टेंट को कैंसिल कर सकते हैं, बट किसी भी वेरिएबल को कैंसिल नहीं करना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करना। इज दैट क्लियर? आपको क्या, आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, आप इसको इधर माइनस में ले आते और ये ग्रेटर देन जीरो हो जाता। ठीक है, तो दो बातें तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई। पहला पॉइंट क्या है, किसी भी वेरिएबल या अचर राशि को कैंसिल नहीं करना है, दूसरी को, सॉरी चर राशि को। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराना। ठीक है, ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये यह कि सपोज दैट ऐसे लिखा है एक्स ग्रेटर देन वाई एंड इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन। ठीक है, तो ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा, ध्यान दें। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने बोला कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कराएं या माइनस कॉमन लें या हम कुछ भी करें, ठीक है, तो वहां पर होगा क्या, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बात समझ आई? सपोज दैट ऐसे लिखा होता माइनस एक्स ग्रेटर देन वाई, सो एक्स विल बी लेस देन माइनस ऑफ वाई। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से हमको ये तीनों जो हमारे पास रूल हैं उनको हमें इनइक्वालिटी में ध्यान रखना है। पहला रूल क्या था हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराना, सॉरी सेकंड वाला था ये, है ना, और वेरिएबल कैंसिल नहीं करना। एंड थर्ड हमारे पास क्या है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड करते हैं, कॉमन करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब आते हैं हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटी हो या फिर क्वाड्रेटिक हो, सबका प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों में, है ना। करना क्या है हमको, सबसे पहला स्टेप ये है, स्टेप नंबर वन ये है, आरएचएस हमेशा जीरो होनी चाहिए। आरएचएस को क्या रखना है, हमेशा जीरो। अब यहाँ पर आरएचएस ऑलरेडी जीरो गिवन है, 90% केसेस में क्या होगा, आरएचएस जीरो रहेगा। नहीं है तो आप क्या करोगे, सपोज इधर ऐसे ग्रेटर देन वन बाई एक्स माइनस वन लिखा होता तो इसको बेटा माइनस करेंगे और ग्रेटर देन जीरो करेंगे, ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ आ गई? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आरएचएस को जीरो बनाना है, यहां पर है तो हमारे पास ये स्टेप छूट गया। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर टू में।
जितने भी यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स हैं x माइनस वन टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस सेवन इन सब के हमको रूट निकालने हैं। पहले रूट क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो यहां पर इसका रूट कितना आएगा, x इक्वल वन, इसका वन बाई टू, इसका माइनस ऑफ टू, बेटा ये प्लस वन है सो माइनस वन एंड सेवन, ये सारे हमारे पास रूट्स आ गए, ठीक है। अब नंबर लाइन पर इनको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, ये इन्फिनिटी एंड दिस इज माइनस ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। कैसे दिखाना है आपको, नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में। तो नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में दिखाने के सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, सो माइनस वन माइनस टू हो गया, यहाँ पर यहाँ माइनस वन हो गया, यहाँ वन बाई टू हो गया, यहाँ वन हो गया और यहाँ पर सेवन हो गया, ठीक है। अब जहां जहां भी इवन पावर थी, जैसे x प्लस टू में इवन पावर है, ये नेक्स्ट स्टेप है बेटा, ठीक है। इसके बाद में x माइनस सेवन में इवन पावर है, तो इनके रूट के नीचे आपको क्रॉस का साइन प्लेस करना है, क्रॉस का साइन प्लेस करना है। तो इस यहां पर क्या है, x प्लस टू, तो इसका रूट आएगा माइनस टू, ठीक है। तो माइनस टू के नीचे क्रॉस का साइन है, क्यों प्लेस करना है बेटा अभी बता दो, ठीक है। इसके बाद सेवन के नीचे आपको क्रॉस का साइन लगाना है, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो सबसे हायर रूट है ना, तो सबसे हाईएस्ट जो ग्रेटर रूट होगा उसके राइट हैंड साइड में एक पॉजिटिव का साइन प्लेस कर दो, राइट हैंड साइड में एक पॉजिटिव का साइन प्लेस कर दो। तो यहां पर ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब नीचे क्रॉस लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। क्रॉस का काम क्या है कि साइन चेंज नहीं होना, मतलब जो इस तरफ साइन है वही सेम साइन इस तरफ भी रहेगा, फंक्शन का नेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, अब यहां पर क्रॉस नहीं है ना, यहां पे क्रॉस है तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां पर फिर क्रॉस है तो फिर ये नेगेटिव। बात समझ आ गई, ओके। अब ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। अब सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन था वहां पर जाएंगे और चेक करेंगे इनइक्वालिटी का साइन क्या था, लेस देन था या फिर ग्रेटर देन था। तो यहां पर साइन क्या है, लेस देन जीरो, सो दैट मीन सारी निगेटिव वैल्यू है ना। तो अब निगेटिव कहां कहां पे है, एक इस इंटरवल पे है और इन दोनों इंटरवल्स पे है, सेपरेट इंटरवल है दोनों, है ना। तो ये हमारे सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन, माइनस टू से लेकर माइनस वन यूनियन, वन बाई टू से लेकर वन। अच्छा, जैसे हम नंबर को ऐड करने के लिए प्लस का साइन यूज करते, सिमिलरली यहाँ पर क्या है, कभी भी इंटरवल्स को जब हम यूज करेंगे, इंटरवल को ऐड करेंगे, तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यूनियन का यूज करेंगे। अभी इंटरवल का डिस्कशन हम करेंगे कि इंटरवल्स एक्चुअल में होते क्या है, ठीक है। और यहाँ पर इनके बीच में ओपन या क्लोज या जो भी है, बंद अंतराल खुला अंतराल, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, ओके। अब कुछ लोगों के माइंड में आ सकता है कि सर यहाँ भी निगेटिव था, यहाँ भी निगेटिव था, तो पूरा होल इंटरवल ले लेते, ठीक है। तो अगर सपोज दैट हम यहाँ से लेकर पूरा यहाँ पर ले रहे हैं, तो बेटा माइनस टू इंक्लूड हो रहा है ना। तो अगर हमने बेटा यहाँ से सीधे माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से लेकर सीधे माइनस वन तक ले लिया है ना, और यूनियन हमारे पास 1 बाई टू से लेकर 1 तक हो जाएगा, तो इस केस में हमारे पास माइनस टू इंक्लूड हो गया। और अगर माइनस टू बेटा यहाँ पर पुट करेंगे इस वाले फैक्टर में, तो ये जीरो हो जाएगा, पूरी इनइक्वालिटी जीरो हो जाएगी। बट यहाँ पर क्या है, लेस देन जीरो चाहिए, हमें इक्वल जीरो नहीं चाहिए, सो दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, उनको सेपरेट लिख रहे हैं, है ना। अब अगर आपको ऐसे ही लिखना है तो बाद में आप क्या कर दोगे, माइनस के इसको सेपरेट करके हटा देंगे यहाँ से, है ना। तो हमने यहाँ को डिस्क्रीट सेट में इसको हमने बाद में रिमूव कर दिया, ठीक है। तो या तो आप ऐसे लिखो या फिर आप इस तरीके बाद में उसको जाकर के रिमूव कर दो। बात समझ आ गई, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी थी हमारी जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, आई होप ये समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे दो से तीन क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होते हैं जो आपके मन में हो सकता है आए। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह कि हम पॉजिटिव साइन के साथ में इसको स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, निगेटिव से भी कर सकते थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि सर ये क्रॉस का क्या मतलब है, मतलब जहां जहां पे क्रॉस लगा उस पर साइन चेंज नहीं हो रहे, तो क्यों चेंज नहीं चेंज हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव निगेटिव रह रहा है, ठीक है। इसका भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा। और अल्टरनेट साइन चेंज कैसे होते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक अलग से एक्सप्रेशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये बेटा हमने जो एक्सप्रेशन लिया है इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये क्या आएगा, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, है ना। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके जो रूट हैं इनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया, तो यहाँ पर टू आ जाएगा, यहाँ पर थ्री आ जाएगा। अब बेटा अगर इस एक्सप्रेशन में थ्री से बड़ा कोई भी नंबर हम पुट करते हैं, सपोज दैट फोर, तो फोर माइनस टू वन, सॉरी टू एंड फोर माइनस थ्री वन, तो टू इंटू वन
वन, थ्री से बड़ा हम कोई भी नंबर पुट करेंगे तो इसकी जो क्वांटिटी की वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव का साइन प्लेस किया। क्लियर? अब हम करेंगे बेटा ये 0.5 और ये माइनस 0.5, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो गया, निगेटिव क्वांटिटी आ गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये निगेटिव आ गया। क्लियर? नेक्स्ट हमने वन रखा तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, और निगेटिव मल्टीप्लाइड बाई निगेटिव सो दिस विल बी पॉजिटिव। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ, पॉजिटिव से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास साइन अल्टरनेट कैसे चेंज हो रहे हैं, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। थर्ड पॉइंट हमारा क्रॉस वाला आता है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सपोज दैट एक्सप्रेशन हमारे पास ये ऐसे होता है एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री और यहाँ पर पावर फोर लगी होती। अब देखो बेटा यहाँ पर टू यहाँ पर थ्री, थ्री से बड़े किसी भी नंबर पर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, दो से तीन के बीच में जब पुट करेंगे 2.5 सपोज दैट, तो ये 0.5 और ये माइनस 0.5, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव। और बेटा अगर अब वन हम पुट करते हैं तो वन माइनस टू माइनस वन, माइनस वन की पावर फोर तो प्लस वन, और माइनस वन माइनस थ्री सॉरी वन माइनस थ्री है ना, तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ टू हो गया, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव कैसा हो गया है निगेटिव। अब किसके देखो यहाँ पे क्रॉस हमको लगाना चाहिए था बिकॉज यहाँ पे इवन पावर थी है ना, तो इसके इधर और इधर दोनों साइड में कैसा साइन सेम हो गया। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये इवन पावर की वजह से हो रहा है, इज दैट क्लियर। तो ये बात भी यहाँ पे क्लियर होगी है ना। तो ये था हमारा लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी जो क्वेश्चन हमारे पास बन रहे थे इनको हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट यहाँ पर जो पॉइंट बच रहा है लीनियर इनइक्वालिटी में समझने के लिए, वो हमारा क्या बचता है कि इंटरवल्स होते क्या है और ये कैसे जनरेट हुए और इनका यूटिलाइज जो हम कर रहे हैं यहाँ पे मैथ्स में तो वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बोला एक्स ग्रेटर देन फाइव, ठीक है इस चीज को समझो। तो अब पांच से बड़ा कोई भी नंबर अगर हम पूछे तो जनरली फाइव से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा, कोई बोलेगा सिक्स या फिर कोई बोलेगा 5.1, बट एक बच्चा और भी होगा जो बोलेगा सर 5.01, फिर दूसरा बोलेगा सर 5.001, तो ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर होंगे जो 5 से जस्ट बड़े होंगे है ना। तो बेसिकली यहां पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि 5 से जस्ट बड़ा नंबर होगा क्या। अब आपने रख दिया 5.0001, तो अगर हम एक जीरो और बढ़ा देंगे तो फिर भी उस नंबर से और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर वहां पर स्किप हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को जब इस टाइप की प्रॉब्लम आई तो इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं हम इनको इंटरवल्स में रख लेते हैं। ठीक है, इंटरवल में रखते हैं, तो इंटरवल क्या होते हैं, इंटरवल होते हैं किन्हीं भी दो नंबर के बीच का, मतलब हो सकता है उसमें मिड की वैल्यू इंक्लूडेड हो और हो सकता है मिड की वैल्यू इंक्लूडेड ना हो। तो जो अंतराल होते हैं या जो इंटरवल्स होते हैं बेटा, इनको हमने टू टाइप से हमने लिखा है ना, मतलब इनको हमने टू टाइप से कैटेगराइज किया। पहला हो गया हमारे पास कॉन्टिन्यूअस इंटरवल और दूसरा हो गया डिस्क्रीट। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस ये सतत जो अंतराल होते हैं इनके दो टाइप होते हैं हमारे पास, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ठीक है, डिस्क्रीट को बोलते हैं बेटा मिड इंटरवल या डिसकंटिन्यूअस इंटरवल। ठीक है, अब दो नंबर अगर हम लेते हैं ओपन में ए कॉमा बी ऐसे ले लिए, क्लोज में लेंगे ए कॉमा बी तो ऐसे हो जाएंगे, और मिड में ए कॉमा बी लेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो इसका मतलब ये ऑल रियल वैल्यूज फ्रॉम ए टू सॉरी बिटवीन ए टू बी, मतलब ए से ले ए और बी के बीच की सारी वैल्यू, ए नहीं आएगा बी नहीं आएगा, मतलब ए और बी इंक्लूडेड नहीं होंगे। ठीक है, बट बीच की सारी वैल्यू इंक्लूडेड होंगे है ना। जैसे अभी हमने लिखा था एक्स ग्रेटर देन टू, तो टू नहीं आना, दो से बड़े नंबर आने हैं, सो दैट मीन एक्स बिलोंग्स टू टू कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, दो से बड़े नंबर, अब दो नहीं आए तो हमने ओपन लगा दिया। ठीक है, अगर ये a इंक्लूडेड है तो वो क्लोज में आ जाएगा, मतलब ऑल रियल वैल्यूज फ्रॉम a टू b, ऑल रियल वैल्यूज फ्रॉम a टू b, और इसका मतलब क्या है ओनली a एंड ओनली b। बात समझ आ गई, पहला पॉइंट क्या हुआ, ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन a एंड b, ऑल रियल वैल्यूज फ्रॉम a टू b, ओनली a एंड ओनली b, इज दैट क्लियर। ओके, अब इनको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हमें देखना है तो ओपन है तो बेटा यहाँ पर ए आ जाएगा ओपन के साथ में ए और ओपन के साथ में बी। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस का पार्ट है तो एरो लगेगा। ठीक है, सेम क्लोज में ये फील्ड सर्कल बनेगा ए, ये भी फील्ड सर्कल बनेगा बी और एरो लगेगा। यहाँ पर ये फील्ड सर्कल और एरो कभी नहीं लगेगा बिकॉज ये डिसकंटिन्यूअस था या डिस्क्रीट था। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, इनइक्वालिटी वाइज अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो सपोज दैट यहाँ पर हमने ए और बी का कोई भी एक नंबर ले लिया एक्स, जो ए और बी के बीच में है यहाँ पे है ना, तो बेटा एक्स जो होगा वो ए से ग्रेटर रहेगा बट लेस देन रहेगा बी से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए एंड लेस देन और इक्वल्स टू बी, हियर एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है,
तो ये हो गए हमारे इंटरवल्स, और उनके बीच में जो ग्राफिकल और थ्योरेटिकल जो डिफरेंस था वो यहाँ पे हमने क्लियर किया। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं यहाँ पे वो कैसा है, ये तो लीनियर इक्वलिटी का क्वेश्चन होगा बेटा, बट उसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। हाँ, जैसे अभी हम लेस देन हमने यूज किया, तो वैसे हम लेस देन और इक्वल के साथ में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी देखना है। ठीक है, छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस वन टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री होल बाय एक्स प्लस सिक्स एंड एक्स माइनस सेवन थ्री फोर फाइव नाइन इलेवन। ठीक है, लेस देन और इक्वल जीरो। ठीक है, ओके। तो अब इस टाइप से इनइक्वलिटी जब कभी भी इक्वल के साथ में दी जाती है, तो पहले आप ये मान के चलो कि लेस देन ही है। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो करेंगे। हमने सबसे पहले क्या करना है, आरएचएस जीरो बनानी है, तो वो है ऑलरेडी। सबके रूट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो पहले हम लिख लेते हैं माइनस वन वन बाई टू माइनस ऑफ थ्री माइनस ऑफ सिक्स सेवन। ठीक है, अब नंबर लाइन पर जाएंगे बेटा और इनको असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर माइनस ऑफ सिक्स, देन माइनस ऑफ थ्री, देन माइनस ऑफ वन, देन वन बाई टू, देन सेवन। ठीक है, इवन पावर कहाँ कहाँ पे है, तो हमारे पास इस वाले नंबर पर इवन पावर है, तो उसके नीचे क्रॉस का साइन, सो वन बाई टू के नीचे क्रॉस, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि साइन लेस देन जीरो है, तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, निगेटिव इंटरवल्स, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस सिक्स से लेकर माइनस थ्री। ठीक है, यूनियन माइनस वन से लेकर वन बाई टू, यूनियन वन बाई टू से लेकर सेवन। बात समझ आ गई, तो इस तरीके से हमारे पास ये सोल्यूशन आएगा किसके लिए, लेस देन जीरो के लिए। लेकिन बात यहां पर ये बेटा कि यहां पर इक्वल जीरो भी लगा हुआ है, तो हमें एक्स की वो सारी वैल्यूज निकालनी जहां पर ये इनइक्वलिटी जीरो होगी। तो जीरो होने का मतलब अगर मैंने एक्स इक्वल माइनस वन रखा बेटा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो पूरी इनइक्वलिटी जीरो हो जाएगी। वन बाई टू ये जीरो, पूरा जीरो, माइनस थ्री पर ये जीरो, तो पूरी जीरो। अब अगर एक्स इक्वल माइनस सिक्स रखते हैं तो ये टर्म जीरो बट पूरा नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो नॉमिनेटर जीरो हो सकता है बट डिनोमिनेटर जो हमारा हर होगा, अंश जीरो करेंगे बट हर को जीरो नहीं करेंगे। तो अंश में कौन कौन सी वैल्यू है बेटा, माइनस वन, वन बाई टू और माइनस थ्री, तो इनको हमें इस सोल्यूशन में इंक्लूड करना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस वन आना है, तो माइनस वन कहीं दिख रहा है, यस, तो यहां पर क्लोज इंटरवल आ गया। ठीक है, वन बाई टू आना है, तो वन बाई टू पर भी क्लोज हो गया, वन बाई टू दो जगह है, वेरी गुड, तो ये भी दोनों ही क्लोज हो गए, है ना। इसके बाद में माइनस ऑफ थ्री भी आना है, तो माइनस थ्री भी क्लोज हो गया। अब देखो यहां माइनस वन से वन बाई टू और फिर वन बाई टू से सेवन, अब ओपन तो है नहीं, तो हम इस पूरे को एक साथ लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस सिक्स से माइनस थ्री, ये क्लोज में ये ओपन में, यूनियन क्लोज इंटरवल के साथ माइनस वन से सेवन और सेवन ओपन के साथ। ठीक है, तो ये जो हमारा हुआ ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, अच्छा लेक्चर को खत्म करने से पहले एक बात आपको समझनी है कि जो इसकी प्रैक्टिस सीट है, ठीक है, वो आपको लिंक में मिलेगी, उसको डाउनलोड करके आपको प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनका डिस्कशन हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, स्टार्ट क्लास स्टार्ट होते ही पहले होमवर्क जो दे रहे हैं आपको वो डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस सीट डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन अपॉन में टू एक्स माइनस वन होल पावर थ्री सेवन नाइन लेस देन और इक्वल जीरो। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे x प्लस सिक्स टू एक्स माइनस सेवन होल बाय x प्लस फोर एंड x माइनस नाइन पावर है 2001, 2002, 2003 एंड 2004। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल जीरो, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू। तो ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, तो फर्दर कल जब नेक्स्ट क्लास होगी तो पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके जो आंसर्स हैं अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो। ठीक है, ओके, थैंक यू।